नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं हिंदी हेलो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़ रहे थे लगातार हिंदी व्याकरण और काव्य शास्त्र के टॉपिक। आज हम हिंदी व्याकरण में एक स्पेशल टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न, कंपटीशन हो, उस कंपटीशन में यह टॉपिक है वो महत्वपूर्ण रहता है जहाँ पर हिंदी व्याकरण लगती है। तो मैं आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ वो है हमारी क्रिया। और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि क्रिया से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। महत्वपूर्ण रूप से बहुत ही सामान्य सा प्रश्न आता है और हम उस प्रश्न को, क्रिया का प्रश्न, लगभग जो हिंदी व्याकरण का नॉलेज कम रखते हैं उनका वह प्रश्न गलत हो जाता है। बहुत बार पूछा जाता है सीधा ही कि सोना क्रिया निम्नलिखित में से है और ऑप्शन में आ जाता है आक्रमक, सक्रमक, पूर्वकालिक या प्रेरणार्थक क्रिया। तो जिनके क्रिया टॉपिक जिनका अध्ययन किया हुआ नहीं होता है तो थोड़ा यहाँ से समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पर कि जो सोना क्रिया है वो क्या होती है। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और हम बहुत से प्रश्न हैं इस माध्यम से हल कर पाएंगे। सबसे पहले मैं देखता हूँ क्रिया से यह भी प्रश्न बहुत बार आता है, परिभाषा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि क्रिया का शाब्दिक रूप क्या होता है। तो क्रिया का शाब्दिक रूप देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है करना। क्रिया का शाब्दिक रूप जब भी पूछे तो इसका शाब्दिक रूप तो होगा, यानी जो ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है उस शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है करना या फिर होना। इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है होना। उसके बाद में देखिए कि हिंदी व्याकरण में क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस भाषा में हिंदी व्याकरण क्रिया की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम देखिए कि कोई भी हम जब वाक्य बोलते हैं तो उसमें अगर हम क्रिया को सम्मिलित नहीं करेंगे तो वो वाक्य पूरा नहीं माना जाएगा। तो किसी भी वाक्य को, किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमें क्रिया की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात हम भाषा में कोई भी शब्द बोलें, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य है वो क्रिया के साथ लिखा गया है। अगर मैं इसको बोलूँ कि राम पुस्तक पढ़ता है, इसको मैं न बोलूं सहायक क्रिया और जो मुख्य क्रिया है उनको न बोलूं मैं, तो यहाँ पर वाक्य वो पूरा नहीं होगा। अर्थात भाषा में राम और पुस्तक का कोई महत्व नहीं होगा, इसलिए उनको हल करने के लिए, उनका स्थान प्राप्त करने के लिए हम क्रिया का प्रयोग करते हैं कि जिसका शाब्दिक अर्थ करना या होना होता है। तो वाक्य में क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार आई है वो हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले प्रश्न ये भी आता है, बहुत बार पूछा जाता है सामान्य परीक्षाओं में कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है। तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है। तो संस्कृत की धातुएं क्रिया का मूल रूप होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न कि धातु होती है मूल रूप तो उससे क्रिया का निर्माण किस प्रकार से होता है। कोई भी धातु होती है उस धातु में ना प्रत्यय हम जोड़ देते हैं और नया शब्द बनता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। धातु के साथ में ना प्रत्यय जोड़ने से वह क्रिया का रूप ग्रहण कर लेती है। जिस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ पर कहा लिख के साथ में हमने ना जोड़ा तो शब्द बन गया लिखना, उसी प्रकार से मैं पठ धातु के साथ में ना जोड़ दूंगा तो वह शब्द बन जाएगा पढ़ना। हस धातु के साथ में मैं ना जोड़ दूंगा तो यहाँ पर बन जाएगा हंसना। इसी प्रकार से किसी भी धातु के साथ में हम ना जोड़ देते हैं तो एक क्रिया का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले हमने अभी दो प्रश्नों को हल किया। क्रिया का मूल रूप धातु होती है जो संस्कृत की होती है, उसके साथ में ना प्रत्यय जोड़ने से वह धातु क्रिया में बदल जाती है। तो उसके बाद में परिभाषा की बात करी जाए कि क्या होती है परिभाषा, कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। हमने पहले भी बात कर ली कि अगर उस वाक्य का, अगर हमें भाषा में स्थान प्राप्त करना है तो हमें क्रिया का प्रयोग करना होगा और वो क्रिया ही हमें किसी भी कार्य को पूरा होने का, करने का बोध करवाती है, उसे हम क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इसके बाद में देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के भेद।
हमने बहुत बार क्रिया को सीधा ही पढ़ा है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। हमें नहीं पता होती है कि वो क्रिया कौन किसके आधार पर होती है। क्रिया संरचना के आधार पर भी होती है, क्रिया काल के आधार पर भी होती है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया कर्म के आधार पर उनके भेद। तो मुख्य रूप से जो कर्म के आधार पर क्रियाएं होती है उसको अकर्मक और सकर्मक दो भागों में हम बांट देते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, अकर्मक, और दूसरी क्रिया सकर्मक। आज मैं अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरणों के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया है, आज मैं अकर्मक क्रिया को पढ़ा रहा हूँ, और अगला जो सेशन होगा हमारा वो सकर्मक क्रिया का होगा, और किस प्रकार से हम किसी भी वाक्य में सकर्मक क्रिया पहचानते हैं उसकी भी एक मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। तो अकर्मक, सबसे पहले हमें उस शब्द की ओर जाना है अकर्मक की, अ जिसका तात्पर्य होता है रहित, प्रत्यय सॉरी उपसर्ग है ये, जिसका तात्पर्य होता है रहित, बिना या नहीं, और कर्म यानी जिस वाक्य में कर्म नहीं हो, कर्म रहित वाला वाक्य क्या कहलाएगा, यहाँ पर अकर्मक क्रिया कहलाएगा। हम पहचानते कैसे हैं उसमें से कर्म वाक्य में, तो हमें जो कारक चिन्ह हम जब पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले कर्ता कारक पढ़ते हैं, और कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, यानी कर्ता के साथ में हमेशा ने विभक्ति लगी हुई मिलती है आपको, और ने ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, यानी जिस वाक्य को करने वाला होता है वो कर्ता होता है। दूसरा कारक होता है कर्म, जिसकी विभक्ति को। तीसरा कारक होता है करण, जिसकी विभक्ति होती है से, जो साधन बने। चौथा कारक होता है संप्रदान, जो के लिए विभक्ति अपने साथ लिए होता है। अगला पांचवा होता है अपादान, जिसके कारक की विभक्ति से, और से अलग होने के अर्थ में यह से आता है। और अगला कारक है संबंध, जिसकी विभक्तियाँ होती है का, के और की। और जो अगला सातवां कारक होता है जिसको हम अधिकरण के नाम से जानते हैं, और जिसकी विभक्ति में और पर, और अंत में होता है संबोधन। जब हम क्रिया को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में इन कारक चिन्हों का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जो विभक्तियाँ लगी हुई किसी भी संज्ञा के साथ आ जाती है तो हम उसे ये कारक मानेंगे। और ये कारक की विभक्तियाँ देखिए, जिस प्रकार से कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। सबसे पहले मैंने अकर्मक की बात की कि जिसमें जिस वाक्य में कर्म मौजूद न हो, अर्थात क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े। अकर्मक क्रिया के लिए हमें ये याद रखना है कि जिस वाक्य में कर्म मौजूद न हो और क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े। क्या कहा मैंने आपको, एक ही बात याद रखनी है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जब क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ेगा तो उसमें कर्म है वो मौजूद नहीं होगा। अर्थात कर्म की विभक्ति क्या होती है, को होती है। अगर किसी भी वाक्य में को मिल जाए आपको, कर्म के साथ में को मिल जाए, इसका मतलब है इसमें कर्म मौजूद है। कर्म मौजूद है तो वो अकर्मक क्रिया नहीं हो सकती, वो क्रिया होगी सकर्मक। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो कारक चिन्ह है उनकी विभक्ति हमें याद कर लेनी है, और उनके साथ में ये जो कारक चिन्ह है उनको भी याद कर लेना है। सबसे पहले वाला वाक्य मैं देखता हूँ, पक्षी आकाश में उड़ता है। और बहुत बार यह उदाहरण परीक्षाओं में पूछा जाता है और कन्फ्यूज करता है हमें कि यह उदाहरण कौन सी क्रिया का, और लगभग इसे हम सकर्मक क्रिया मानते हैं। पक्षी इस वाक्य का करता है, आकाश में। अब में कारक विभक्ति है, में हमें देखना है क्या है, में ये रहा अधिकरण होता है, तो ये तो हो गया अधिकरण कारक, और इसकी विभक्ति उड़ना होगी क्रिया, और ये हो गया कर्ता। अर्थात कह सकते हैं इस वाक्य में कर्म मौजूद ही नहीं है तो वो सकर्मक नहीं हो सकती, अकर्मक है। इसी प्रकार से सीता गाना गाती है, तो सीता सीधा गाती है, कौन गाती सीता और क्या गाती, सीता गाती है, तो यहाँ पर इसमें कर्म मौजूद नहीं है, इस क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता के ऊपर है, ये कर्म अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार से काली गाय चर रही है, यहाँ पर वाक्य थोड़ा सा लंबा आ जाए तो बहुत सारे परीक्षार्थी ये मानते हैं कि इसमें सकर्मक क्रिया होगी। वाक्य कितना भी लंबा हो सकता है, हमें उसमें कर्म मौजूद है तो वो अकर्मक करेंगे,
देखिए सॉरी, क्रम मौजूद है तो उसे हम सहक्रमक करेंगे। काली गाय, काली इसका विशेषण है और गाय करता है, चरने का काम कर रही है और ये चर रही है, मुख्य क्रिया हो गई, इसके साथ संयुक्त क्रिया हो गई और ये सहायक क्रिया। तो यहाँ पर एक तो विशेषण है और विशेषण के बाद में यहाँ पर करता है और यहाँ पर क्रिया है, अर्थात क्रिया का प्रभाव सीधा इस गाय के ऊपर है, अक्रमक क्रिया है। इसी प्रकार से राधे श्याम नहर में नहाता है, मे कारक की विभक्ति हमें दिखाई दे गई, तो मे होते ही हमें अधिकरण करना है और यह इसका अधिकरण हो गया और ये अधिकरण कारक राधे श्याम वाक्य को करने वाला अर्थात कार्य करने वाला है और नहाना यहाँ पर क्रिया होगी, इसलिए अक्रमक क्रिया है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, कविता बिछोना बिछोती है, बिछोना बिछोती है, बिछोना क्रिया में हमेशा ही आक्रमक होती है, ध्यान रख लेना है। और इसका संबंध अर्थात ये बिछोने का साधन बनी है तो यह तो कर्ण कारक हो गया और यह होगी कर्ता कारक और यह होगी यहाँ पर क्रिया। यहाँ पर इसका प्रभाव सीधा कविता पर है, वे सब जोर जोर से हंस रहे हैं। हंसना क्रिया हमेशा ही आक्रमक होती है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं वे सब यहाँ पर कर्ता का काम कर रहे हैं, जोर जोर यहाँ पर क्रिया विशेषण है, अवयव मानते हैं जिसे हम, तो इसका प्रभाव सीधा इसके ऊपर है। वह चढ़ता है, वह सीधा ही चढ़ता है, यानी इस क्रिया का प्रभाव सीधा वह पर है, सर्वनाम पर अर्थात कर्ता पर है। रामू क्रिकेट के मैदान में खेलता है, रामू वाक्य का कर्ता हो गया, के संबंध कारक यहाँ पर यह का के की विभक्ति मिल जाए तो वो संबंध कारक है। अब मैं इसका संबंध है क्रिकेट, ठीक है, मैदान के साथ इसका संबंध दर्शाया जा संज्ञा है, मैदान और इसका और क्रिकेट का संबंध है। और मैं यहाँ पर अधिकरण कारक है, यह देखिए अधिकरण कारक की विभक्ति और ये हो गया अधिकरण और खेलता है ये क्रिया होगी, अर्थात यहाँ पर संबंध आया है, यहाँ पर अधिकरण आया है और यहाँ पर कर्ता है, अर्थात यह क्या हो जाएगा, अक्रमक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इन विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से देखा कि जिसका प्रभाव यानी क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर आ जाए तो वह क्रिया अक्रमक होती है। देखिए बहुत बार आपको ये पूछा जाता है, तो मैं कुछ विशेष क्रियाएं लिख रखी है मैंने यहाँ पर, वो हमेशा ही पूछी जाती है और ये हमेशा ही अक्रमक होती है, किसी भी वाक्य में प्रयोग कर दी जाए तो वह वाक्य सकर्मक कभी भी नहीं बन सकता, अक्रमक ही रहेगी। सदैव अक्रमक रहने वाली क्रियाएँ सोना क्रिया, हंसना, तैरना, कूदना, नाचना, जीना, बरसना, दौड़ना, मरना, फिर रोना, चमकना क्रिया, लजाना क्रिया, चलना क्रिया, जागना क्रिया और बिछोना क्रिया आदि, और भी बहुत सारी क्रियाएं होती है, लेकिन मैं यहाँ पर विशेष रूप से इतनी क्रियाएं लिख रहा हूँ और ये हमेशा सकर्मक होती है और अक्रमक क्रिया होती है। और अक्रमक क्रिया का तात्पर्य ये होता है जो स्वभाव से हो जाए, जो क्रियाएँ स्वाभाविक हो। अक्रमक क्रिया को मैं क्या कह सकता हूँ, ये विशेषता है जो क्रिया स्वाभाविक हो, जो क्रिया स्वाभाविक हो उसे हम अक्रमक क्रिया कहते हैं। ये स्वभाव से होने वाली क्रिया है, सोना है चाहे हंसना है, तैरना है, कूदना है, नाचना है। विकास नहर में तैरता है, अब को वाला कोई भी वाक्य इससे नहीं मिलेगा, वह अपना जीवन जीता है, वह अपना जीवन जीता है। बादल बरस रहे हैं, राम तेज दौड़ रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, ऐसे वाक्य बन सकता है, लेकिन दौड़ना क्रिया हमेशा आक्रमक रहेगी। और यहाँ पर वह मर जाता है, अर्थात मर जाता है। सीता रोती है, श्याम रोता है, बालक बहुत तेज से रो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह कोई भी क्रिया इस इनको वाक्य में रखेंगे तो यह क्रिया अक्रमक की वाक्य है, वो अक्रमक की रहेगा। और बहुत बार पूछा जाता है कि रोना क्रिया होती है अक्रमक सकर्मक पूर्वकालिक या पूर्णकालिक, तो ये क्रियाएं कभी भी अकेली जब पूछी जाती है अक्रमक होती है, चाहे वाक्य में प्रयोग कर दी जाए तो भी अक्रमक होती है। अब से पहले हमने ये पढ़ा कि क्रिया का शाब्दिक अर्थ करना या होना होता है, क्रिया का मूल रूप धातु होता है जिसके साथ में हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो वह ना प्रत्यय जुड़ते ही वह जो शब्द होता है वह क्रिया में बदल जाता है। परिभाषा की बात हमने करी कि जिस शब्द से हमें यह पता चले कि कार्य पूरा हो रहा है वह क्रिया होती है। उसके बाद में हमने क्रिया कर्म के आधार पर किया है, दो प्रकार की होती है, पूछा जा सकता है कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4, 5। आपको याद रखना है कर्म के आधार पर क्रियाएं केवल दो प्रकार की होती है, जो सकर्मक और अक्रमक होती है। आज हम अक्रमक के बारे में हमने पढ़ा है, जो कर्म रहित वाक्य लिखा जाता है वो अक्रमक का होता है और क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता के ऊपर आए वो अक्रमक होता है।
और हमने यह भी देखा कि ये क्रियाएं हैं वो जो सदैव अकर्मक के रूप में प्रयुक्त होती है। कल मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें अकर्मक और असकर्मक दोनों ही सेंस, दोनों ही वाक्य पहचान लेते हैं। कल का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो सकर्मक क्रिया का रहने वाला है। तो आज के लिए इस क्रिया में इतना ही। आप वीडियो को पूरा देखिए तभी बात समझ में आएगी। और आप किस प्रकार की और क्लासें चाहते हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव लिखिए मुझे, तो मैं आपके सुझाव पढ़कर बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा, उन टॉपिकों को हल करने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट करते रहिए, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।